हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। लगभग एक साल पहले ब्लास्ट करके उड़ाई थी स्कूल, जहां पूरे भारत में और हर राज्य सरकार बच्चों के भविष्य की शिक्षा पर रात दिन काम करती है। एक भी बच्चा शिक्षा के बगैर नहीं रहे। अलग अलग तरह की स्कीमें आती हैं। बच्चों को शिक्षा देने के लिए हर गांव के स्कूलों में सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। तब एक ऐसी ठाणी है ग्राम पंचायत नागाणी में भेदा पादर, जहां के बच्चे शरीफ उस स्कूल की तरफ देखते हैं और मन में ही अपने पढ़ाई की लगन को शांत कर देते हैं। क्या है मामला, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ग्राम पंचायत नागाणी के अंतर्गत एक ठाणी है भेदा पादर, जो बहुत पुरानी है। वहाँ कम से कम 100 परिवारों का बसेरा है और माता पिता खेती करते हैं। वो मेहनत करके अपने छोटे बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य बनाने के जो सपने देखते हैं, वो सपने तक ही सीमित हैं, क्योंकि वहाँ भेदा पादर में एक स्कूल है जो लगभग एक साल पहले एक व्यक्ति ने उसको बारूद से उड़ा दिया था। पुरानी स्कूल को तितर बितर कर दिया था। आज भी ऐसी की ऐसी स्कूल पड़ी है। नहीं तो शिक्षा विभाग ने ध्यान दिया है, ना ही किसी नेताओं ने। तब तक बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। क्यों अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया? स्कूल की तरफ कम से कम 100 बच्चों की पढ़ाई नहीं होने पर कौन है जिम्मेदार? तब तक स्कूल जाने के लिए बच्चे इंतजार करेंगे? कब तक शिक्षा विभाग और सरकार की आंखें खुलेंगी और कब बच्चे स्कूल जाएंगे? जब स्कूल को बारूद से उड़ा दिया था तो पूरे गाँव के लोगों ने एक महीने तक बड़े से बड़े अधिकारियों और नेताओं को ज्ञापन दिया। नागानी गांव के बाजार तक बंद कर दिए थे, तभी मुजरिम पकड़ा था। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और अधिकारियों के ढीले रवैये को देखते लगता है कि एक बार बहुत जल्द जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि माना राम मेघवाल, रतन भाई देवासी, कालू सिंह राठौर, बाबा राम देवासी, महेंद्र भाई सोनी, देवाराम मेघवाल, गंगा सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह देवड़ा, माधाराम दलपत सिंह परमार, रणछोड़ देवासी आदि मौजूद थे। जागरूक टीवी की नगाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।